देखा पल्लो रानी, फिजूल में तुम डाउट कर रही हो हम पे, हम कहीं और से नहीं आ रहे। गलत। दीदी कभी फिजूल में डाउट नहीं करती। दीदी को लग रहा है तो फिर सही होगा क्या दीदी? चेपू भाई हो तो तेरे जैसा नहीं, मतलब हमका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप हमसे कुछ छुपाएंगे, लेकिन क्या है ना, फिजूल का दिक्कत आप ही को हो जाएगा, फुकट का झंझट हो जाएगा। अब हम आप पे पत्नी उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मेंटल टॉर्चर का केस कर देंगे, तब ह्यूमन राइट्स वाले, महिला शक्ति संगठन वाले, दीदी वो नारी कल्याण विभाग, हाँ वही, वो वाले भी यहाँ आकर आप ही के थाने में आप ही की वर्दी उतार कर ले जाएंगे। अब सोचिए अपने ही थाने में कच्चे बनियान में घूमते हुए आप कैसे लगेंगे, मतलब बेचने तक बात सही था लेकिन अब घूमेंगे तो कैसे लगेंगे? हम बिरयानी देने आए थे, ये देखिए बहुत जल्दी में हम जा रहे हैं। इसका आवाज कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ ससुर आवाज पहचाना पहचाना। अरे तुम बिरयानी पे ध्यान दो ससुर। अब देखो देखो पल्लो रानी, तुम इतना से शांति से यहाँ बैठ के बिरयानी खाओ, बिरयानी खा के हो जाए, फिर हम चंपक को कहेंगे कि हमना थाना का जो गाड़ी है उसमें तुमको घर तक छोड़ देंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम भी बिरयानी खाओ बच्चा। ए चेपू। हाँ दीदी। तुमको कोनो बताने का जरूरत है का? बताने का जरूरत? अरे हम तो हमेशा तो यही करते आए हैं, जीजा पे चौकस निगाह, एकदम जिद जैसा निगाह बना के रखते हैं, उनके हर खाए पिए का रिपोर्ट आपको देते रहते हैं। आ दीदी आगे भी हम जीजा पे एकदम चौकस निगाह रखेंगे, कहीं ये खुट्टी तोड़ के भागने के फिराक में तो नहीं है बैल, मतलब जीजा। वाह वाह सब पास मेरे भाई, भाई हो तो तेरे जैसा, आ दीदी हो तो हमारी दीदी जैसा। चलो आओ बिरयानी खाओ। चलिए पहले प्लेट तो लाओ। अच्छा मतलब ये बात है, बुलबुल पांडे अपनी बीवी से कुछ छुपा रहा है। हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और उसकी वाइफ ने बुलबुल पे कड़ी नजर रखने का काम अपने भाई वो बुलबुल का साला नामुराद ऐसा बोलते ना, अगर हम होते तो सर आपकी जगह वो क्या नाम उसका, चंपक, हाँ चंपक उसको लगाया हुआ है। अम्मा कहा पुष्पा जी, आपने अपना चेहरा ऐसे रुमाल से काहे छुपाया हुआ है? क्या पूछ रही कहा है ये, आपको भी यही जगह मिली थी बतियाने के लिए अभी? अच्छा मतलब ये कतर चुकी हैं आप दो बार में। तभी हम सोच रहे थे कि ये सब देखकर हमारे मुंह में पानी क्यों आ रहा है। खाना है आपको? सब शाकाहारी मुर्गियां लाऊं? बक खाना है तो बताइए। बिल्लू बुलबुल पांडे पे नजर रखना है, हम बिच्छू पे भरोसा कर सकते हैं लेकिन बुलबुल पांडे पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। जब वो कुछ नहीं कर रहा होता है ना तो वो एक ही काम कर रहा होता है, महिला पुलिस थाना के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा होता है, समझ रहे हमारी बात को? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अरे सरकार ने उसको यही काम दिया हुआ है। चंपक के पीछे ये चंपक हो गई, सिर्फ चंपक के पीछे नहीं पड़ना है, ये भी पता लगाना है कि बुलबुल किस फिराक में है, उसके मन में क्या चल रहा है। अच्छा उसके मन में मतलब मुझे सम्मोनी शिक्षक बनना है। जितना बोला इतना करो ना, हो गया। लिया कहीं का एक केकड़े का बच्चा है, किस चक्कर में यहां काहे रुक गया, चल का रहा इसको रपाती के दिमाग में पीछा किसके लगा है।
नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। थाने मैंने से मरने की और हमें यहाँ क्यों बुलाया आपने? हाँ वो दरअसल हम वैसे भी फील्ड ड्यूटी पर थे और हम यहाँ आ ही रहे थे, तो हमने सोचा यहीं मिल लेते हैं, यहीं बात कर लेते हैं। हमें पूछना था वो आवास योजना का काम हो गया, फॉर्म जमा कर दिया? कहाँ दीदी, वो सरकारी ऑफिसर फॉर्म ही नहीं ले रहा है, काम क्या खाक होगा? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम फॉर्म जमा करते हैं, वो ऑफिसर हमें मना नहीं कर पाएगा, हम ट्राई करके देखते हैं। फॉर्म लाइयो साथ में। बहुत बढ़िया, डोंट वरी, हम कर देंगे। हद है हद, कितना बड़ा लालची निकली रही है हसीना मलिक, किन्नरों को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी पैसे खा रही है। ची 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 ची, कमीनेपन में तो इसने हमको भी फेल कर दिया। शुक्रिया दीदी, आप हम सबका कितना ख्याल रखते हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और सारे अल्लाह बला से बचाए रखे। हाँ थैंक यू, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम रहे या ना रहे, महिला पुलिस थाना आप सबका हमेशा ख्याल रखेगा। नहीं रहे मतलब कहीं जा रहे हो आप? नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ट्रांसफर भी तो हो सकता है ना, तबादला भी तो हो सकता है, पुलिस वाले हैं, कहीं भी भेज सकती है सरकार हमें, वैसे भी हमेशा के लिए सब कुछ तो नहीं रहता ना, लेकिन महिला पुलिस थाना आप सबकी मदद के लिए हमेशा रहेगा, ये हमारा वादा है। शुक्रिया दीदी, हम बताते हैं इस बारे में, ठीक है? जरूर। ओके। क्या रे भाई, इसको पिक्चर बना रही है हमारी? नहीं, वो जो औरत आपके साथ अभी खड़ी थी, वो हसीना मलिक थी ना, महिला पुलिस थाने वाली, आपसे भी रिश्वत ले रही है। अरे कितना हराम का माल आई थेगी ये औरत। सुना क्या बोल रहे हैं हमारे बहन के बारे में? कहा हराम का है, पैसा ऐंठने वाली बोल रहे हैं। हैं? क्या करना चाहिए इसका बहनों? तबला बजाना चाहिए। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं साइड हटिए। अरे बीच सड़क पे कोई ऐसे किसी को पीटता है बताइए, मारना है तो अच्छे से मारो ना, कि हड्डियां टूटने की कड़क कड़क आवाज आए। ऐसा सर आप हमको कहते, अगर हम आपकी जगह होते तो? अरे लेकिन अभी हम आपकी जगह नहीं है और थाना छोड़ के यहाँ कहाँ कर रहा है ससुरे? यही सवाल हम आपसे भी पूछ सकते हैं कि आप थाना छोड़ के यहाँ कहाँ कर रहे हैं? अरे छोड़ू सब पहला बच्चा अटाइस वाले तरफ। हाँ ठीक है जोर से मारो। बस हो गया बस उठिए। आज की ताजा खबर, बुलबुल पांडे को तीन किन्नरों ने भरे बाजार में पीटा। सुपर फास्ट खबर, न्यूज़पेपर में भी आई क्या? दिखा रहे। अरे आप भाई तो हमरा तबला बजाया, इतनी देर में खबर कहाँ से छप जाएगा? छोड़िए ये सब, पहले ये बताइए कि जलील गिरा हुआ आदमी को दोबारा गिरा के काहे मार रही थी आप? क्या बोल रहे हो, मतलब हमारे SHO बुलबुल पांडे साहब को काहे मार रही थी? थर्की है, ऐसा दोबारा किया ना तो याद रखना गले में ढोलक पहना कर यही नचवाएंगे तुझे। हाँ कोई है? अरे कोई है का? सब है, दुश्मन ए, दुश्मन भाभी, ए भाभी आप यहाँ, आपका स्वागत है, पाए नागू भाभी, आप यहाँ एकदम कमाल हो गया, क्या खाएंगे पियेंगे बताइए? आहा एक काम करो, बिरयानी ला दो और कोल्ड ड्रिंक्स। कह दीदी गेट आउट, यू टर्न करके राइट में बिरयानी वाला है, जो चाय ठूस लेना अपने पैसे से। जय हिंद मैडम। जय हिंद जी। आप ये है हमारी फूल सी, जहीन सी, महीन सी, हमारी इकलौती दीदी पल्लवी बुलबुल पांडे। जी मैडम, ऐसा लग रहा है आप रास्ता भूल गई हैं। मतलब आपके बुलबुल जी का थाना तो जानकीपुरम में है ना? नहीं नहीं, हम यही आए हैं महिला पुलिस थाने में। लिखिए। का लिखिए? रिपोर्ट लिखिए हमारा। एक मिनट, रिपोर्ट लिखवाने आई है और यहाँ पे महिला पुलिस थाना में? हाँ। अरे आपके पतिदेव बुलबुल पांडे जी SHO है, इतना बड़ा उनका खुद का थाना है जानकीपुरम में, आप वहाँ जाके रिपोर्ट लिखवाइए, हमारे यहाँ काहे आई है? वहाँ नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मतलब? मैं आपको लेके चलता हूँ, कान गुदड़ी का लाल आपको रोकता है देखता हूँ। आओ, कहाँ लेके जाओगे उनको? और आप काहे नहीं जा सकती? क्योंकि उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना है। लिखिए लिखिए लिखिए।
ए? मैडम मतलब लिख लीजिए ना। आइए चलिए। क्या है पल्लवी जी, ये ना महिला पुलिस थाना है, तो यहाँ पे हर केस को भावनात्मक स्तर पर सुलझाने की कोशिश की जाती है। अब जैसे पति पत्नी का केस हो तो हम उन दोनों को सामने बिठाकर सबसे पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं। देखिए मैडम, हमको मत सिखाइए कानून, ठीक है? पुलिस वाले की बीवी है, अरे आधा कानून तो रोटियां बेलते बेलते ही हम सीख गए हैं अपने पति से। और हाँ, इसे पुलिस वाले की बीवी की धौंस मत समझिएगा। हम तो आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे साथ ये टाल मटोल वाला रवैया दिखाया, अगर हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी तो हम आपका हाई कमीशन में ऊपर तक रिपोर्ट करेंगे कि आप लोगों ने हमारा रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। ये एक बेहतरीन मौका है हमारी इमेज खराब करने का। बुलबुल पांडे की वाइफ के तेवर देख के लग रहा है कि अगर हम इसकी मदद करने से इनकार कर दें, बिना उसकी रिपोर्ट दर्ज किए उसे यहाँ से भगा दें, तो ये पक्का इस बात का हंगामा क्रिएट कर देगी, डिपार्टमेंट में हमारी कंप्लेन कर देगी, हमारा काम हो जाएगा, हम ऑफिशियली एक इर्रिस्पॉन्सिबल इनएफिशिएंट ऑफिसर प्रूव हो जाएंगे। गुड। आप भी ये मत समझिएगा कि हम आपकी धमकियों से डर गए हैं। कंप्लेन लिखना हमारा ड्यूटी है, और जब हमें कंप्लेन आपके पति के खिलाफ लिखना होगा तो वो तो हम पूरे दिल से लिखेंगे। आपको पता भी नहीं है कि हम इस अनमोल क्षण का कब से इंतजार कर रहे थे। सच में पुष्पा जी, लिखिए कंप्लेन। जी बताइए, क्या रिपोर्ट लिखानी है आपको अपने पति के खिलाफ? सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड। हाँ, वो हम अपराध के अनुसार लगा देंगे। पहले आप अपराध तो बताइए, आपके पति ने आपके साथ किया क्या है? देखिए, डाउट नहीं कर रहे आप लोगों की योग्यता पर हम, हा? लेकिन कैसी पुलिस वाली है आप? अरे धारा सुनकर अपराध का अनुमान तक नहीं लगा सकते आप लोग? ये पुलिस स्टेशन है मैडम, उज्जवल शाकाहारी भोजनालय नहीं है कि पहले ऑर्डर कर रहे हैं उसके बाद मेन्यू आ रहा है। यहाँ पे कंप्लेन लिखा जा रहा है, शायरी नहीं हो रहा है कि मिसरे से फिक्रे तक का खुद से अंदाजा लगा ले। अपराध बताइए ना खुल के, क्या किया उन्होंने आपके साथ? मेंटल टॉर्चर, मानसिक हिंसा किया है हमारे पति ने हमारे साथ। लिखिए। जी लिखते हैं। नहीं। चाहिए मैडम। बैठ रहो। अरे का नहीं, नहीं लिखेंगे रिपोर्ट। काहे? काहे कि हम कह रहे हैं, मैं इधर की SSO। SHO। वेरी गुड। इधर की इस थाना की इंचार्ज, इधर की लेडी बच्चन है? हा? तो रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। देखिए धमकी मत समझिएगा इसे, हा? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं आप लोगों को कि अगर हमारा कंप्लेंट का रिपोर्ट यहाँ पे नहीं लिखा गया तो इस थाने का ईंट से ईंट बजा देंगे हम। बहुत भारी पड़ेगा इस पल्लवी बुलबुल पांडे से उलझने का साइड इफेक्ट। समझे कि नहीं समझे मैडम? हाँ। अबे ए कसाटा, अभी मेरी बात तू ध्यान से सुन। तेरे को ना देख के साफ साफ समझ में आता है कि कौन किसके साथ मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, घरेलू हिंसा करता होगा। आज पहली बार जिंदगी में वो बुलबुले पांडे पे मेरे को दया आ रही है, इसलिए समझा ना, ज्यादा शाणा बनने का नहीं, चुपचाप पतली गली से निकल, नहीं तो एक वर्दी वाले पुलिस वाले पर झूठा इल्जाम लगाने का, पुलिस वालों का टाइम खोटी करने का और मेरा दिमाग सटकाने का इतना धारा लगाएंगे, इतना धारा लगाएंगे कि सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। वाओ, राइम, धरा धरा। अल्लाह, ये क्या थारे, एक नंबर, फुल रपा रप राइमिंग। ए टकलिया, आज तो बनता है। बिल्ले, चल चल निकल, देखती क्या है? देख लूंगी तुमको। देख लेना, सोशल मीडिया पे बहुत फोटो है मेरी। इसको धमकी मत समझना, पर अब कंप्लेन होगी तुम्हारे खिलाफ, कोर्ट में घसीटूंगी तुम्हें, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, समझे? तो करना कंप्लेन, घसीटना मेरे को कोर्ट में, खाना मेरी नौकरी, भूल मत दे, करके दिखा। देख लूंगी, चल चेपू। चलिए दीदी। चेपू, बोलिए कुछ तो। केस का इशारा फादफा करने का, मेरे से सीखो तुम। अगर हमने कुछ नहीं किया तो मैडम सर का नौकरी खतरे में पड़ जाएगा। पुष्पा जी जाके पल्लवी को बुलाइए, नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा।
बैठिए ना। वो मैडम सर की बातें दिल पे मत लगाइए। हाँ वो क्या है, आजकल थोड़ा तनाव में है ना, काम का बोझ ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। दिल पे मत लगाइए, दिल की बुरी नहीं है वो। बैठे। हम तो उसके बारे में बहुत ही अच्छा अच्छा सुने थे, ये तो बड़ी बदतमीज टाइप की औरत निकली। अरे बल्कि हमारे पति से भी ज्यादा करप्ट निकली ये हसीना मलिक। वो जानती नहीं है किससे उलझ रही है ये। देखिए धमका नहीं रहे, समझा रहे हैं प्यार से। हम आते। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे रिपोर्ट लिखने से मना करने की? का किया ये सब, क्या ये सब? हाँ अरे काय के लिए खाली पीली मेरे को लेक्चर देती रहे, इसलिए वट इधर से। ऐसा दिमाग खोटी करती है। बकलोली मत करो हम। ए मातारी, आइटम लेके जा रहे इसको, समझा पका रहे हो मेरे को दोनों, तुम दोनों। हाँ ठीक है। बाहर चलिए, एक औरत आई है जिसको रिपोर्ट लिखानी है। चलिए जाओ। अदरक वाली चाय लीजिए। जी बताइए क्या समस्या, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हाँ मैडम मेरा नाम मिनट, पहले हम यहाँ आकर बैठे हैं, पहले आप हमारा कंप्लेन लिखिए। सुन तो सकते हैं ना दीदी? अच्छा ठीक है, बोलिए। मेरा नाम धनलक्ष्मी है, मुझे मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट एक कंप्लेन फाइल करानी है। हमको भी कराना है, पहले इनका सुन ले। जी बिल्कुल, इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ पे। बताइए आपके हस्बैंड का नाम क्या है? बुलबुल पांडे। अरे आपका नहीं दीदी, इनका नारायण। ओह माय गॉड, इनका नाम धनलक्ष्मी और इनके हस्बैंड का नाम नारायण, मतलब आप वैकुंठ में रहते हैं? जी बताइए आपके हस्बैंड ने क्या किया आपके साथ? मारपीट की, हिंसा की, जबरदस्ती की? नहीं वैसा कुछ भी नहीं किया है। तो दूसरी औरत का चक्कर, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर? माँ मटेरियल नहीं, मैरिटल। हाँ भाई मैरिटल। नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बहुत ही सीधे हैं। तो का बात है फिर, का समस्या, क्या किया उन्होंने? देखिए मेरे पति मुझे अपने फोन का पिन नंबर नहीं बता रहे। अब कोई पति अपनी पत्नी को पिन नंबर नहीं दे रहा है, ये अपराध थोड़ी ना हुआ, इसका केस कैसे बन सकता है आंटी जी? देखिए मैडम उन्होंने कुछ तो गलत जरूर किया है, क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी से पिन नंबर क्यों छुपाएगा अपने फोन का, है ना? देखिए या तो उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी पत्नी यानी कि मैं उसका फोन खोल के उसके राज पता कर लेगी, उसको एक्सपोज कर देगी। सही कह रही हैं आप, ऐसा ही होगा। काय चल रहा है इकड़े? अल्लाह ये क्या रे, कैसा बेशरम लोग है तुम लोग। अभी तेरे को भगाया था ना इधर से, फिर आ गई तू, और खुद तो गई नहीं, एक और साथ में लेकर आ गए अपने। अभी भगाया था ना मैं तेरे को, खुद तो गई नहीं और एक और लेकर आ गए अपने साथ में। काई के लिए खाली पोकर टाइम वेस्ट करते, काम धंधा नहीं है क्या तुमको? आ जाते इधर, निकल इधर से। ये देखो थोड़ा तनाव कहा ना हमने। अरे आप चुप रहिए। यही है वो बदतमीज औरत हसीना मलिक। हम भी अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आए थे, लेकिन इसने हमारा भी ऐसे ही मजाक उड़ाया, और आपके साथ भी ऐसे ही बदतमीजी करेंगी ये। अभी तक ही नहीं है, आ तो करेंगी, आपका क्या जाता है। चलो इसी के थाने के बाहर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर नारे लगाते हैं, पूरा पब्लिक को जमा करके बताएंगे कि ये हसीना मलिक अपने ही थाने में बैठ कर कानून का खिल्ली उड़ा रही है। नहीं एक मिनट, ये लेके जा, तेरा नाजुक गला दुख जाएगा, पकड़ना, जा लेके जा। हाँ तो जाएंगे ही, देखना आप कैसे पब्लिक जमा करते हैं हम। चलिए आंटी। अरे आपसे कह रहे हैं निकलिए। अहिला ये तो तेरे जैसी है क्या? सुनो भाइयों और बहनों, ये जो महिला पुलिस थाना है ये बस नाम का ही पुलिस थाना है, और इसमें किसी भी महिला की समस्या का हल नहीं होता। और यहाँ पे ये जो SHO बैठी हुई है ना, ये हसीना मैडम, ये किसी भी काम की नहीं है। हाँ
महिलाओं की परेशानी से। क्या? अरे कंटिन्यू कीजिए ना, हम अकेले ही गला फाड़े क्या? हाँ हाँ, हसीना मलिक को हम औरतों की प्रॉब्लम टाइम पास लगती है, और ऐसी इरिस्पॉन्सिबल और घमंडी पुलिस ऑफिसर को तुरंत फोर्स से निकालना चाहिए। हसीना मलिक को हम औरतों की प्रॉब्लम टाइम पास लगती है, और ऐसी इरिस्पॉन्सिबल और घमंडी पुलिस ऑफिसर को तुरंत फोर्स से निकालना चाहिए। हसीना मलिक, हाय हाय, हसीना मलिक मुर्दाबाद, हसीना मलिक, हाय हाय, एक्सक्यूज मी। अरे हेलो हेलो हेलो, लखनऊ की सबसे लजीज बिरयानी इकबाल बिरयानी, पीते ही आ जाएगी नानी, बदनाम चाय पाए। डिस्काउंट 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 ऑफर चालू है। डिस्काउंट? ए, ये सब क्या है? मौके का फायदा। अरे ना, सब सुन लिया लोगों ने। दीदी हसीना मलिक, हाय हाय, हसीना मलिक, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन हम अपने थाने पे कोई आंच नहीं आने देंगे। थाना बंद होने की नौबत पे है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम लिखेंगे इनके लिए FIR। तुमको अपना टाइम पास करना तो तुम केबिन में बैठ के कर सकती हो, समझी? हसीना मलिक, हाय हाय, हसीना मलिक, हाय हाय, हाय हाय, हसीना मलिक, हाय हाय। देखिए शांत हो जाइए सब। देखिए आप गलत समझ रही हैं, हसीना मैडम का वो मतलब नहीं था जो आप समझ के बैठ गई हैं। हम आपके लिए रिपोर्ट लिखेंगे ना, और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसका आश्वासन देते हैं आपको। आप हमारे साथ अंदर चलिए। चलिए चलिए, अपना काम कीजिए सब, जाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार हम करिश्मा सिंह को अपना प्लान खराब करने नहीं देंगे। नारायण के बारे में बताइए। देखिए लालच नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा मजबूत केस बनाइएगा हमारे पति के खिलाफ कि एलिमनी देते ही दम निकल जाए ससुर का। देखिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में, जब तक आप शादीशुदा हैं आपको एलिमनी नहीं मिल सकता है। हाँ तो कम से कम दो रात लाकर ठूसिए ना लॉकअप में। देखिए पर्सनल लेवल पे बात करें तो हमको भी बड़ा मजा सा आ जाएगा ऐसा करने में, लेकिन जब तक हम इस केस का रूपरेखा नहीं समझ लेते हैं, आपके बुलबुल जी का एक बालिया बयान नहीं ले लेते हैं, तब तक हम इस बात का गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए फिलहाल आप यहाँ साइन कीजिए। अरे कोई है थाना में? अरे हमको बुला के काम आ गए सबके सब, हैं? ए उठ उठ, साइलेंस पड़ रहा हूं। जय हिंद सर। जय हिंद, काहे को बुलाया हमें यहाँ पे? सर इस वक्त आप यहाँ पे एक आम नागरिक की हैसियत से आए हैं, एक वाइफ जिसने अपने पति के खिलाफ मानसिक दुराचार मेंटल टॉर्चर का केस फाइल किया है, हमने उस पति को थाने तलब किया है। क्या आपका भार किसी के साथ अनैतिक संबंध है, आप किसी के पीछे पड़े हैं, किसी के पीछे घूम रहे हैं? अभी का कैसा बताऊं कि हसीना मलिक का पीछा कर रहा था ससुरा। क्या आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपके कहने का मतलब है कि आपकी पत्नी ने आप पर जितने भी आरोप लगाए हैं वो सब बेबुनियाद? सब सब बेबुनियाद है, सरासर आरोप है, झूठे आरोप है मुझ पे। एक्सक्यूज मी मैडम, आम आदमी, एक्सक्यूज मी। सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर मैडम, सी दिस वीडियो। क्या है वीडियो में? अरे हाँ आपका ही है, देखो हा? आप हीरो हो, देखो। हाँ अगर ये मैडम सर के पीछे लगा है तो किसी भी तरह इसे इस केस में उलझा कर जेल भेजना ही ठीक होगा, वरना उर्मिला को मैडम सर समझकर ये हसीना मैडम को बदनाम कर देगा। कुछ तो करना होगा। अरे भाभी जी, आई लागू आइए, ये देखिए ये वीडियो वायरल हुआ इनका। कुछ भी नहीं है वीडियो में, क्या करना करना वीडियो दिखा रहा हूं मैं अभी को। बुलबुल पांडे सर, आपके पत्नी के नामजद रिपोर्ट के आधार पर हम आपको जेल में डालते हैं। चार्जशीट बनने तक, कल कोर्ट में पेशी होने तक आपको जेल में ही रखा जाएगा। लॉकअप में डालेंगे हमें? अभी DSP साहब को फोन लगाते हैं, अब जो भी होगा ससुरा DSP साहब के सामने ही होगा। इस थाना को बंद होने से कौन रोकता है? हम देखते हैं, देखते हैं। हमको कोई बंद कर नहीं सकता, हम खुद बंद होंगे। अब एक समस्या हो ना तो बताए मैडम, यहाँ पर तो दिक्कत ही दिक्कत है हमें इस आदमी से। अब चाय में टी बैग की जगह ये बाबा जी का ताबीज मिला कर देते हैं हमें।
और बर्तन पे तो इतनी चिकनाई जमी होती है, इतने गंदे बर्तन धोते हैं ये। बस कर अब, बस कर अब, कितना उछालिएगा हमारी इज्जत इन सबके सामने, काफी है। अरे तुम चुप रहो। देखिए मैडम, ये सारे काम ना हम काम वाले के पास से भी करवा सकते हैं, लेकिन फिर ये पति किस काम के? कैसी औरत है ये, अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखा रही है कि अपने काम वाले के खिलाफ? काहे का हुआ? अब का हुआ, काहे का हुआ? अरे अपने पति से घर के सारे काम करवाती है, फिर भी उसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आई है। और वो धनलक्ष्मी, वो जो है ना, उसके पति के बारे में हमने पूरी जानकारी निकाली है। इतना अच्छा आदर्श संस्कारी लड़का है, फिर भी ये लड़की उसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आई है। बताइए, आजकल नहीं मिलते ऐसे आदर्श लड़के। सही कहा है किसी ने, अच्छे लड़कों को ना ऐसी लड़कियां मिलती है। कैसी? ऐसी। वही हमने पूछा पुष्पा जी, कैसी? अब लड़ो। ऐसी जो अपने पति का ख्याल नहीं रखती, जो उसकी कद्र नहीं करती, जो उससे प्यार नहीं करती। वन पॉइंट। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम लल्ला से प्यार नहीं करते। बताइए, पूछ रही, लल्ला से प्यार नहीं करते? अगर करती होती ना तो आज तक हम दादी नहीं बन गए होते। टू पॉइंट। ये दोनों सास बहू है क्या? अफसोस से। एक तरफा प्यार से नहीं होता है संतान, दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है प्रेम के खाद पानी का, तब जाके अंकुर फूटता है संतान का। और वो क्या नाम है उसका, धन लक्ष्मी का पति जो है, वो इतना ही शरीफ है तो पिन नंबर का ही छुपा रहा है। अरे क्या रे महतारी ना, आइटम तुम लोग समझते नहीं हो क्या? एक प्राइवेसी नाम का एक चीज होता है ना, इसके लिए तो आजकल शादी के बाद पति पत्नी में प्यार नहीं बचता है। पुष्पा जी, क्या नाम है उनका, धन लक्ष्मी, उनके पति को बुलाइए, उनसे बतियाना है हमको। किस बिना पर उसको लेकर आएंगे? अब अपने पत्नी को पिन नहीं देना, ये कोई गुनाह तो नहीं है ना? अरे तुम लोग कैसे पुलिस वाले बना रहे? रुको, मैं तुम लोग को सिंपलीफाई करके देती है। 100 बात की एक बात, पति अगर अपनी पत्नी से कुछ भी छुपा रहा है इसका मतलब उसमें गोची है। अगर वो अपने मोबाइल फोन का पिन नहीं दे रहा है इसका मतलब नक्की उसके फोन में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है जिससे उसकी वाट लग सकती है। उसको बुलाओ इधर, कान के नीचे दो बजाओ, सब सच निकालेगा। क्या रे, है ना एकदम झिंगा टाइडिया तेरी हसीन दिलरुबा के जैसा। मैडम सर पर उर्मिला का कंट्रोल जरूर है, पर उर्मिला पर भी मैडम सर का असर दिखाई दे रहा है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह मां गजब मां, एक पत्थर कम पड़ रहा है तो इसको ले लो, काला पत्थर। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हम यहाँ टेंशन से मरे जा रहे हैं और आप बच्चों वाला गेम खेल रही है, गिट्टी खेल रही है आप। हाँ, पता नहीं क्या मुसीबत आ गया हमारे थाने पे, कौन से घटिया ग्रह चल रहे हैं जो टलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम एक केस को तरस रहे थे, अब 2 केस एक साथ आ गए हैं, वो भी तब जब स्टाफ के नाम पे सिर्फ 2 लोग ड्यूटी कर रहे हैं। माँ कसम मैडम, अगर हम पुलिस में होते ना तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते जैसे अभी है। वैसे मैडम एक बात बताए, धंधे में कुछ भी मजा नहीं है मैडम। हाँ चलो ये मैडम, कोई काम हमारे लिए तो बताइए, बिल्कुल खाली बैठे हुए। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ पहले, खड़े हो जाओ। काम है मतलब कहे हमारे काम नहीं आ सकते हो? हाँ। मतलब कानून की सेवा करने के लिए वर्दी पहनना जरूरी नहीं है। देखो ये बिल्लू एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। तो देखो, केस जो आए हैं वो 2 आए हैं, तो ग्रुप भी 2 होने चाहिए। हाँ। है ना, तो एक ग्रुप में होंगे पुष्पा जी और आप दोनों, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं पुष्पा जी देखिए काम बड़ा मुश्किल में, कोई नहीं ले रहा इनको। ठीक है, तो आपका जो ग्रुप है वो धन लक्ष्मी और नारायण का केस सॉल्व करेगा, और हम और बिल्ले हो गए एक टीम, और हम सुलटाएंगे इस बुलबुल पांडे। ठीक है, मगर हमें करना क्या है? देखिए, धन लक्ष्मी और नारायण का केस क्या है कि पत्नी पति पर शक करती है, वो पिन नंबर नहीं देता है, तो उनको लगता है कि बाहर उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। राइट 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 राइट। हाँ, तो याद है उर्मिला ने क्या कहा था कि अगर पति अपनी पत्नी को बहुत मांगने पर भी वो पिन नंबर नहीं देता है, इसका मतलब पत्नी सही है, और अगर दे देता है फिर तो मामला ही खत्म हो जाता है ना, फिर तो सारे इल्जाम हट जाते जो भी पत्नी अपने पति पर लगा रही है। राइट 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 राइट। तो बस आप लोगों को धनलक्ष्मी और नारायण के बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देनी है कि पति मजबूर हो के पत्नी को अपना मोबाइल का पिन नंबर दे दे। हाँ ठीक है, वैसे हम समझ गए थे। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। और हम क्या करेंगे? हम बुलबुल पांडे को थाने तलब करेंगे और उससे पूछताछ करेंगे। अपना मिशन करें, तलब तलब तलब, थाना तलब। सोचने दो हमें। हाँ हाँ, सोचो सोचो सोचो। हम लीडर हैं। हाँ मानते हैं। जैसा हम कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। हाँ। आप जैसा समझ रहे हैं? वैसे होगा। चलो चलो चलो। हाँ, कर लिया फिर।
क्या बोरिंग फिल्म थी यार। अच्छा तो चलो फिर शॉपिंग चलते। नहीं फिल्म बहुत अच्छी थी। अरे प्लीज ना, चलो ना, मजा आएगा। अरे यार अभी 2 घंटे हमने फिल्म देखी, अब 2 घंटे की शॉपिंग करेंगे, चलते चलते थक जाऊंगा ना यार। यहाँ लग रहे ना हम गुंडे। देखो बदनाम भाई ये। एक बार अरे कौन आज में सब बिंदी पहनता है, निकालना पड़ेगा आपको। लल्ला के पापा है ये। लड़का लगना है आपको, लल्ला के पापा क्या करेंगे? ठीक है, लल्ला के पापा अब कोई एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारेगा। नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 ओके 0। चलो पुष्पा सिंह है। कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? ये मास्क पहन के इतना बड़ा चाकू लेके क्या मनोहर अगरबत्ती बेचने आए हैं? लूटने आए हैं तुम लोगों को, माल निकालो चलो। नहीं नहीं मेरी बीवी को कुछ मत करना, मैं दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, ये लो ये क्या कर? सॉरी चेंज। नंबर 1 आ गया। यस हमें नंबर 1 बोला हमने, तो है हम है, तुम कहाँ नंबर 1 हो? चुप करो बकैती, चुप करो। अरे लड़की मोबाइल ले, एक कॉल कर। नहीं कर सकती। अरे क्यों, बैलेंस नहीं है क्या? ये मेरा फोन नहीं है, इनका फोन है। तो मुझे पिन नहीं पता। क्या, कैसी पत्नी हो तुमको अपने पति के मोबाइल का पिन नहीं पता? बताओ जल्दी पिन। नहीं बताऊंगा, मैं इसे नहीं बताऊंगा। हाँ तो फिर इसके कान में बताओ, जाओ। हम नहीं सुन रहे। इसके कान में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और आप तो मेरी जान ले लीजिए मैडम, चाकू मार दीजिए, मैं तो पिन नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। नंबर 1 आ गया। क्या करें, हाँ ये अपनी जान देने के लिए भी तैयार है मगर पिन नहीं बता रहे मोबाइल का। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ बहुत कुछ गड़बड़ है। इसे थाने लेकर चलते हैं। हमें ये क्या, इसका पापा भी बताएगा किस फिराक में है ये लगा। यस मास्क लगाइए, चलो। हाँ बताइए बताइए, सुन रहे हैं। अल्लाह तूने तो सीरियसली ले लिया रे चटक चंदनी। कर कर। अच्छा अच्छा क्या 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 बताया आपने, क्या बताया? इसका आवाज कम करो। हाँ ठीक है, धन्यवाद, खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया, धन्यवाद धन्यवाद। इसकी मैया का सासू मैया। अच्छा हुआ पुष्पा जी जब नारायण को किडनैप करके लाई तो हमें उसका फोन दे दिया, अब पता चलेगा कहाँ चक्कर चल रहा है। अम्मा ये क्या है, कुछ भी नहीं है फोन में, जब कुछ शक करने लायक ही नहीं है तो फिर खाए वो अपना पेन छुपा रहा है। खाली पोकट इतना टाइम वेस्ट किया, पहले ही बोल रही थी मैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। तुमने इन लोगों के साथ मिलकर मेरे गले पे चाकू रखवाकर मुझे किडनैप कराने की कोशिश की सिर्फ इसलिए कि मेरे मोबाइल का पिन जान सको? देखिए आपके फोन पे ऐसा कुछ काबिलियत एतराज निकला नहीं जो आपको अपनी पत्नी से अपना पिन छुपाना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आप अपना पिन छुपा रहे हैं तो इसका एक ही कारण हो सकता है और वो ये कि आपकी पत्नी जो है वो किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल है और आपको डर है कि अगर आपकी पत्नी ने आपका फोन इस्तेमाल कर लिया तो आपका फोन गैर कानूनी चीजों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, इसलिए आप ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपकी बीवी को यहाँ छोड़ के जाइए, उनसे हमें वार्तालाप करनी है, उनसे हमें सच उगलवाना है। मैडम ये क्या बोल रही हैं आप, ये धनु एक सीधी साधी नॉर्मल सी हाउसवाइफ है, इसका किसी इलीगल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, शी इज इनोसेंट। तो फिर आप इन क्यों छुपा रहे हैं? अब हमें जो इसमें दिखा है अब वो हम आपकी पत्नी को बताएं या फिर आप? मैडम आप हवा में फायर कर रही हैं ना, मैं इन पुलिस वालों की ट्रिक्स बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक मिनट, क्या ये बताइए ना। देखिए हमें भी नहीं पता कहाँ है, कुछ नहीं निकला, लेकिन हमें नाटक करना है कि हमें सब कुछ पता है। नाटक करना है? हे शिव जी, हे
ये क्या देख रहे हैं हम जिसे अब तक अच्छा संस्कारी आदर्श लड़का समझ रहे थे वो ऐसा निकला। देखिए ऐसा है कि आपके पति जो है ना वो ये मैं बताता हूँ। अब देखो अन्नू तुम्हें ये जानकर बुरा लगेगा लेकिन मैं तुम्हें अपने मोबाइल का पिन इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि इसे शॉपिंग का बहुत शौक है। ऑनलाइन शॉपिंग करती है और पेमेंट कार्ड से करती है। कार्ड का ओटीपी आता है मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल पे और फिर जो मोबाइल पे बिल आता है ना उसको देखकर मेरे बजट पर ग्रेनेड से भी भयंकर धमाके होते हैं मैडम। इसीलिए मैं अपनी मोबाइल का पिन इससे छुपा कर रखता हूँ। देखिए देखिए मैडम मुझे धनु के खर्च करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस उसकी फिजूल खर्ची से प्रॉब्लम है। वक्त का क्या भरोसा मैडम, कल को क्या रंग दिखा दे। इसलिए आप ही बताइए क्या हमें थोड़ी बहुत सेविंग्स करके अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार नहीं रखना चाहिए। सुना क्या, तेरा पति एक नंबर बराबर बात बोल रहा है। देख डार्लिंग, पैसा होता ही है खर्च करने के लिए, पर कमाए हुए से ज्यादा वैल्यू होता है बचाए हुए पैसे का। अभी क्या है ना, बैड लक नॉक करके तो आएगा नहीं, कभी भी किधर से भी टपक पड़ेगा, समझे क्या? मंजे बोलने का मेरा मतलब ऐसा है कि अभी मेरी रेकड़ी का समझ लेना तू, मेरी वड़ा पाव की रेकड़ी। एक मस्त बारिश गिरी, सब कुछ बहा के ले गई, सारा धंधा एक मिनट में खल्लास। तब क्या काम आया, पाई पाई बचा के जो मैंने घर पे खोली में रखा था ना पैसा, वही काम आया। तो मैं बोल नहीं, सच ये नहीं है, पत्नी के फिजूल खर्चे के वजह से पिन छुपाना नहीं है, बात कुछ और है। आपके पति देव आपसे कुछ और भी छुपा रहे थे, दरअसल बात ये है कि अरे धनु इसमें कुछ नहीं है, मतलब मैडम 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 इसे फोन ले लीजिए ना। देखिए मैंने आपसे बोला ना कोई बात नहीं है, इसका बस हाथ थोड़ा ज्यादा खुला हुआ है पैसों के मामले में, बाकी कोई बात नहीं, मैंने आपको सब क्लियर कर दिया मैडम, इसको मत देखने दीजिए प्लीज फोन मैडम। देखो नारायण तुम एक गलती कर चुके हो एक सच छुपाकर, अब दोबारा ये गलती मत दोहराओ। ये सच तुम्हारी पत्नी को पता होना बहुत जरूरी है, ये उसका अधिकार है, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारा हर सच पता होना चाहिए। ये सब जी यही पूरा सच है, बात सिर्फ तुम्हारे फिजूल खर्चे की नहीं थी, बात ये है कि वो बहुत परेशान हैं, उनको बैंक का स्ट्रेस है, अपने काम का वर्कलोड है, उनको स्टॉक मार्केट में लॉस है, उसका स्ट्रेस है, हर चीज का भार उठा रहे हैं, इसलिए तुमसे अपना पिन छुपा रहे थे ताकि तुम इनका सच ना जान जाओ, इनका सच जान के तुम परेशान ना हो जाओ। मुझे माफ कर दो धनु, तुम्हारी तबीयत तो पहले से ही बहुत नाजुक थी, तमाम दवाइयां चल रही थी, मैं नहीं चाहता था कि इन हालात में तुम्हें मेरी दिक्कतों का पता चले, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मैंने तुमसे ये सब छुपाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ धनु। यही तो प्रॉब्लम है तुम पति लोगों का, ये समझ में नहीं आता है कि पति पत्नी का चूल्हा सांझा होता है, अगर एक को आग लगती है तो दूसरा उसकी आंच से नहीं बच सकता है। ईश्वर ने पति पत्नी को भेजा ही इसलिए है ताकि वो एक दूसरे का भार उठा सके, एक दूसरे की दुख तकलीफ में एक दूसरे को सहारा दे सके। आपको अपना तकलीफ इनको बता देना चाहिए था, आपका तकलीफ पड़ता नहीं लेकिन आपके ऊपर जो इतना भार है ना वो थोड़ा कम हो जाता। मुझे माफ कर दो, सो सॉरी, मैंने तुम पर शक किया, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे आज के बाद अपनी कोई भी परेशानी नहीं छुपाओगे। आई लव यू नारायण। आई लव यू टू धनु। थैंक यू सो मच मैडम, आपने हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व की। मेंशन नॉट। वैसे आपकी भाषा सुनकर याद आया कि धनलक्ष्मी भी महाराष्ट्र से है। हो का, तू पण मराठी हो? तुमचे खूप खूप आभार मैडम, मी तुमची शिकवण नेहमी लक्षात ठेवे। मराठी, अरे जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। आप लोगों ने हम दोनों के लिए इतना कुछ किया उसके लिए ये तो बनता है। सिर्फ 5 दिन बचे हैं डीएसपी सर को वो नाम देने के लिए जिसे उन्होंने फोर्स से निकालना है, नहीं तो अथॉरिटी डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी और पुष्पा जी, करिश्मा सिंह और चीता चतुर्वेदी किसी की भी नौकरी जा सकती है। हर कोशिश करके देख चुके हैं हम कि किसी तरीके से खुद को गैर जिम्मेदार, बेईमान और नॉन डिजर्विंग ऑफिसर प्रूव कर सके, लेकिन कुछ भी कामयाब नहीं हुआ। अब क्या करें, कैसे करें? एक मिनट, इनसबॉर्डिनेशन, सीनियर की बेइज्जती, रैंक का डिसरिस्पेक्ट। अभी डीएसपी साहब को फोन लगाते हैं, अब जो भी होगा ससुरा डीएसपी साहब के सामने ही होगा।
हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद सर। आप तो जानते ही होंगे कि जानकीपुरम के SHO बुलबुल पांडे, उनकी वाइफ यहाँ आई थी उन्हीं के खिलाफ कंप्लेन लिखाने, लेकिन बुलबुल पांडे इस मामले में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं सर। उनका कहना है कि वो जो कुछ भी कहेंगे सिर्फ और सिर्फ आपसे कहेंगे। अरे हम सब जानते हैं, बस बस हम थाने पहुंचने ही वाले हैं, रास्ते में। ठीक है, जय हिंद। ठीक है सर, जय हिंद। मैडम ये लीजिए जेएमसी हॉस्पिटल वाला फाइल। बिहार घाट का फाइल मांगा था। खोलिए खोलिए खोलिए। आ गया है। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। अरे ये टिल्लू यहाँ पर क्या कर रहा है? बिल्लू। हाँ हाँ ठीक है, बिल्लू बिल्लू यहाँ पे क्या कर रहा है? सर फाइल देने आया था। फाइल लीजिए। अरे हमने कब फाइल मांगी थी? हमने मांगी थी। अरे हमारी समझ में। जय हिंद। जय हिंद। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हसीना मलिक जी हमें अवॉइड करके, मतलब नजरअंदाज कर क्यों चली गई? सर, सर, भगवान का शुक्र है कि आप हमको मिल गए। ये जो हमारे पति है ना, ये हमको मानसिक यातना दे रहे हैं। अब आप ही हमको इनसे बचा सकते हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। सर ऐसा कोई बात नहीं है, उनका गलत फहमी हो गया है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं सर। देखिए आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। आप जानती हैं यहाँ की मुखिया कौन है, यहाँ की थाना अध्यक्ष कौन है? हसीना मलिक जी। उनसे आप अपना मामला बताइए, वो आपको सही न्याय दिलवाएंगी। हाँ। कुछ भी नहीं कर रही हसीना मलिक। सबको लगता है कि बहुत ही न्यायप्रिय अफसर हैं, हम जैसे मासूमों का, अबलाओं का, मजलूमों का मदद करती हैं, लेकिन कुछ भी मदद नहीं करती। नहीं नहीं आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। हाँ सर वो एकदम सही कह रही है। देखिए सर हसीना मलिक है ना, वो पहले वाली हसीना मलिक नहीं रही है, टोटल एकदम फुल टू फटंग चेंज हो गई है सर। आपको कैसे पता? सर हमको पता है, हम खुद देखे हैं अपना इन्हीं आंखों से, सुबह से पीछा कर रहे सर उनका, हमरी सर हमरी नजर है उनपे। देखा सर देखा, खुद ही अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि खुद उसका पीछा करते हैं इस औरत का। अरे नजर मतलब वैसा नजर नहीं है, पल्लो हमरे बात तो सुनो तुम। छोड़ा हमको छोड़ा। जय हिंद सर। जय हिंद। तो बुलबुल पांडे आप क्या कह रहे थे कि आप हमारा पीछा करते हैं, हम पर नजर रखे हुए हैं, आपकी नियत खराब है हमारे लिए? हाँ है। अरे नहीं सर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, नियत तो इनका खराब है, ये बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसा होने का दिखावा करती है, बिल्कुल ही बेईमान भ्रष्ट और घूसखोर पुलिस अफसर है सर। जय हिंद सर। जय हिंद। तो बुलबुल पांडे आप क्या कह रहे थे कि आप हमारा पीछा करते हैं, हम पर नजर रखे हुए हैं, आपकी नियत खराब है हमारे लिए? हाँ है। अरे नहीं सर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, नियत तो इनका खराब है, ये बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसा होने का दिखावा करती है, बिल्कुल ही बेईमान भ्रष्ट और घूसखोर पुलिस अफसर है सर। और सर जिस केस में इनका फायदा नहीं ना होता, वो केस दर्ज ही नहीं करती, वर्दी पहन के भरे बाजार में नाचती है ये, और दुकानदारों से फ्री में सामान खरीदती है। ये सब इनके समझ में नहीं आएगा सर। बात ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मैडम सर ने किसी केस को सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ प्लान किया हो, या ड्यूटी निभाती है वो अपनी, वो कुछ सॉल्व करने के लिए कुछ चल रहा होता है उनके दिमाग में तभी ऐसा कुछ स्वांग रचती है। ऐसा बहुत बार किया है पहले सर, सब ड्यूटी के लिए। फिर भी सर हमने देखा है कि इतने कम स्टाफ में भी वो मैडम सर थाना कैसे चला रही है, ये मानने वाली बात है। शायद करिश्मा सिंह की इस बात से डीएसपी सर यहाँ के स्टाफ की कटौती करने का अपना डिसीजन बदल दें, उन्हें एहसास हो जाए कि यहाँ सबकी कितनी जरूरत है, किसी को भी निकालना नहीं चाहिए। हम सब जानते हैं करिश्मा सिंह, लेकिन बात ऐसी नहीं है, स्टाफ की कमी की तो कोई बात नहीं है। अरे भाई उसका निवारण तो हो जाएगा, हमें चिंता है हमारे पुलिस महकमे की छवि का, उसकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं प्रशासन क्या चाहता है? प्रशासन ये चाहता है कि जनता के प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि हम लोग
किस विकट परिस्थितियों में काम करते हैं, किस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं, कितना दबाव रहता है हमें, राजनीतिक दबाव रहता है, जनता का दबाव रहता है, कानूनी दांव पेच रहता है, उसके बाद भी हम कानून का तराजू हमेशा ऊंचा ही रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जनता को अगर ये पता चल जाए कि हम किन परिस्थितियों में काम करते हैं, तो पुलिस और जनता दोनों की तालमेल एकदम सटीक बैठ सकती है। सर, हम हाँ, पुष्पा जी, आप बोलिए ना। हम ना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, मतलब डाल ही देते हैं ना पुलिस विभाग के ऊपर। देखिए, लेखक, निर्देशक, अभिनेत्री, सब हम बताएंगे जनता को कि पुलिस किस तरीके से काम करती है, किस तरह से काम करती है। अब हमारी अद्भुत अभिनय प्रतिभा को तो आप जानते ही, आप वाकिफ हैं ही। बिल्कुल वाकिफ है, लेकिन प्रशासन ने कुछ अलग सोचा है, कुछ अलग तरीका, कुछ अलग आइडिया। देखिए, प्रशासन ये चाहती है कि पुस्तक छपवाई जाए और प्रकाशित की जाए। उसके लिए एक मशहूर और प्रतिभावान राइटर को हायर भी कर लिया गया है, जो शहर के विभिन्न थानों में जाकर रिसर्च कर रही हैं और वहां से रिसर्च करते करते हमारे इस महिला पुलिस थाने में आएंगी। जब तक यहां पर कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी नहीं है, तब तक वो यहां रहकर रिसर्च करेंगे। लेकिन चिंता हमें इस बात की है कि अगर आप लोग इसी तरह से आपस में लड़ते रहे, भिड़ते रहे, दाल खिचड़ी करते रहे, तो जानती है क्या होगा, हमारी कितनी छवि खराब होगी, वो अपने किताब में क्या लिखेंगी। इसीलिए आप लोगों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई कार्य मत करिएगा जिससे कि हमारे पुलिस महकमे की छवि खराब हो। कौन है ये राइटर सर? आपके पिताश्री का है क्या जो आके घुसे जा रहे हैं यहाँ पे? थाना है ये, निकलो यहाँ से पीछे। अरे क्या सुनाई कम पड़ता है आपको? हमने बोला यहाँ से निकलो। जी कौन है आप और ऐसे घुसे आ रही है, क्या चाहिए आपको? अरे पंच दिखा रही है, मतलब लड़ना चाहती है, वो भी आपसे और वो भी यहाँ अपने थाने में आकर। बताइए क्या करेंगे इसका? हाँ वो काम भी ठीक से नहीं किया ये। हम आओ मैडम। बदनाम, तुमको तुम्हारी भाभी मिल गई। अरे पगला, तुमको मिल गए भाभी। ओ मैडम, कहाँ चली आ रही तुम्हारी मैया की सासू मैया? तुम यहाँ कैसे बैठी? उठो उठो यहाँ से, ये मैडम सर की चेयर है, यहाँ तुम नहीं बैठ सकती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? ओ माय गॉड, यू टच्ड मी, टू मच ऑफ डस्ट, इतना सारा सफोकेशन, आई कांट ब्रीथ। Get me that gungun water. Gunguna, gunguna pani. Right. Oh, madam, ये नौटंकी बाद में सब मिलेगा, ठीक है? पहले बताओ यहाँ क्या कर रही हो, क्या चाहती हो? अरे फिर से पंच दिखा रही है। पुष्पा जी, आप महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में। तक हम आओ, हमारा ना संयम जवाब दे रहा है, हमको समझाओ क्या कर रही हो यहाँ पे। हाँ हाँ, हम सुन रहे हैं। एक कंटाप लगाएंगे ना तो टिप्पा खा के बाहर गिरोगी, समझी? तो अरे बकवास मत कीजिए। क्या? नहीं, आपसे नहीं की, आपसे नहीं कह रहे, आप कीजिए बकवास। नहीं, आप कीजिए बातें, हम सुन रहे हैं। जी 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 सर, समझ गए। जय हिंद सर। सुनो बताओ। एक मिनट, क्या कर रही है आप? कितनी बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम? आप यहाँ आइए, इस तरफ आइए, तो सही, इस तरफ आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक मिनट, क्या फूलमाला से स्वागत कर रही हैं आप? अरे आप समझ नहीं रही हैं, हेडक्वार्टर से फोन आया था इनके बारे में, इन्हें उन्होंने भेजा है, ये वो है। कौन? वो कौन? अरे
आ वो एक्सक्यूज मी मैं बताऊं RYKK हाँ रिया ये क्या किया RYKK हाँ रिया ये क्या किया इट्स माय पेन नेम किताब के पीछे द राइटर्स नेम दिस वन हाँ लेखक का नाम राइट लेखक RYKK ओह आई एम सॉरी माय मिस्टेक एक्चुअली I'm such a big writer. मेरी किताब यहाँ गांव तक नहीं पहुंची होगी, right? गांव का लखनऊ है ये. हाँ. Whatever. अब ये बताइए कि क्या फोन आया था ऊपर से क्या कह रही थी आप उस वक्त आप? अरे डीएसपी सर ने बताया था ना का? पुलिस विभाग के ऊपर किताब लिखने के लिए कोई आने वाला है. हाँ. हाँ तो यही तो है वो. दिल्ली से आई है. Can I explain? हाँ. You want to know? No. मैं बताऊं हाँ, 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 हिंदी हिंदी जो बड़ा अथॉरिटीज है दे सेंड मी हियर सो दैट आई कैन डू द रिसर्च हिंदी हिंदी रिसर्च करके आप लोगों के बारे में किताब लिखूं ओके सो जो ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे और वो होते हैं ना दोज समर्पित हमारी तरह थैंक गॉड या So, I have to write a book on them. और वो history होगी, history, you know? इतिहास, इतिहास. Exactly. मतलब उनका नाम इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा? Exactly. अच्छा आप वो हैं. आपने पहले नहीं बताया हमको. बताया था हमें DSP सर ने कि आप इतना बड़ा book लिख रही हैं. इतिहास के पन्नों पे हमारे हमारे थाने का नाम होगा. इससे बड़ा इज्जत का बात और कहाँ हो सकता है? बहुत बहुत आपका वेलकम स्वागत बाय द वे कहाँ है आपकी हसीना मलिक द सुपर कॉप सुपर वुमन द मोस्ट इमोशनल SHO बाय द वे DSP सर आस्क्ड मी टू मीट हर पर्सनली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू और अब मैं बिगाड़ेगी तेरा तेरे पूरे थाने का तेरी हसीना मलिक का उसका इमेज का इज्जत का सबका भजिया पाव कर दिया ना तो मेरा नाम भी उर्मिला महादेव मात्रे नहीं आप कुछ लीजिएगा आप टी कोल्ड बटर ब्रेड हाँ समोसे ओनली वन कैपेचिनो प्लीज हाँ थैंक यू आप बस हम आते हम ऑर्डर कर आते हैं चलिए अरे कहाँ कहाँ ले उसने हमें देखा था अब ये अंधे हमें देखा था तुम्हें क्यों देखेगा तुम तो शादीशुदा हो ना अरे तुझे पता शादीशुदा हो लेकिन उसे नहीं पता तुम्हारी शक्ल पे लिखा है क्या पुष्पा जी क्या है क्या बात कर रही है ऐसे क्यों लेकर आई आप हमें अरे हम मैडम सर के बारे में बात करने आए हैं ये जो हाई फाई मोमबत्ती आई है ना ये इसके बारे में बात करने आए हैं हम समझे आप बात को अरे उसके बारे में क्या बात थोड़ा धीरे बोलिए उसके बारे में क्या बात करनी है आपको अच्छी बात तो है अपने पुलिस विभाग पर किताब लिखी जा रही है अब लोगों को कहेंगे सर लोगों को पता भी तो चलना चाहिए ना कि इसी महिला पुलिस थाने में एक ऐसी जांबाज हेड कांस्टेबल कम काउंसलिंग हेड पुष्पा सिंह नाम की लड़की काम किया करती थी जो रोज रोज अपनी जान की बाजी लगाकर अपना फर्ज अदा करती थी एक मिनट पुष्पा जी आपने जान की बाजी कब लगाई ए, ऐसी बात कर रहे हो हर रोज नवाब साहब से बात करती है वो क्या कम है भाग। हाँ, रोज रोज इसकी जहरीली चाय पीते हैं तो क्या जान की बाजी नहीं लगाते वो हम ऐसे आ रहे थे अच्छा ठीक है जो भी है अभी हम मैडम सर के बारे में बात करने आए हैं इस हाई फाई मोमबत्ती ने मैडम सर के बारे में न जाने क्या क्या सुना होगा है ना और यहाँ आके वो देखेगी कुछ और क्योंकि उनपे तो उर्मिला का भूत सवार है ना मतलब पुलिस इतिहास में मैडम सर के नाम का फजीहत होने वाला है आपको अंदाजा भी है इस बात का पुष्पा जी शांत शांत आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं हम है ना हम सब संभाल लेंगे इसी वजह से चिंता कर रही हैं वो क्या कर रहे तुम दोनों यहाँ और कुछ काम नहीं है जाओ अपना काम करो हाँ तो हम कह रहे हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए हम संभाल लेंगे हम बताएंगे कि क्या चीज है मैडम सर हाँ वही कह रहे थे हम मैडम सर जब इस लेखिका को पता चलेगा कि इस थाने की हेड कांस्टेबल इतनी महान पुलिसकर्मी है
तू इस थाने की SHO, वो तो कितनी बड़ी देशभक्त होगी, है कि नहीं? हाँ, हाँ तो हम कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम बनाएंगे मैडम सर की इमेज। हाँ, कोई उर्मिला शर्मिला को मैडम सर की छवि खराब नहीं करने देंगे। एक मिनट इकबाल, पुष्पा जी बिल्कुल सही कह रही है। पुष्पा पुष्पा, अरे पुष्पा वो अंदर जो लड़की गई है कौन है रे? वो शोध करने आई है। अरे वो किसके शोक पर आई है? अनपढ़। शोक नहीं, शोध 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 करने आई है। हाँ? हमारे थाने को पढ़ने आई है, रिसर्च करने आई है, बहुत बड़ी लेखिका है वो। आप खाइए समोसा खाइए। नहीं नहीं, आज से ये सारी अय्याशियां बंद। ड्यूटी के समय सिर्फ ड्यूटी, उसके बाद ये सारे चौंचले। हाँ। अब इतिहास के पन्नों पर नाम लिखा जाएगा, उसके लिए ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी पड़ती है ना। चलिए चलिए अंदर चलिए, वरना वो इतिहास में लिख देगी कि महिला पुलिसकर्मी अपने थाने को अकेला छोड़कर यहाँ बैठकर जहरीली चाय पीने में अपना समय बर्बाद करती थी। अब चलिए हम आते। एक मिनट, आप कहाँ जा रही है? अरे इतिहास अंदर लिखा जा रहा है, आप बाहर कहाँ जा रही है? हम मैडम सर की तलाश में जा रहे हैं, उन्हें ये समझाने की यहाँ पे हाई फाई मोमबत्ती आई हुई है, तो इससे बच के रहे, अपने उर्मिला के भूत को थोड़ा संभाल के रखे, समझी? और सुनिए, हमारे उस तक पहुँचने से पहले अगर वो यहाँ पहुँच जाए ना, तो आप उसको ये बात समझा दीजिएगा, ठीक है? समझ गई ना आप? हाँ, हम सब समझ गए। इतिहास में लिखे जाने वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो गई गई, आज भी आपकी नहीं सुनी। जाओ ना अपना काम करो। हाँ जाओ। ओ भैया, प्लीज डैड को बोलिए, डैडी को भेजिए यहाँ as soon as possible. आई टेल यू व्हाट, यहाँ ना डैड गुनगुन पानी इज ऑल्सो नॉट देयर, आई जस्ट कांट ब्रीथ। टेल डैड as soon as possible टेडी को भेजें, else what? People क्या कहेंगे कि कमिश्नर की बेटी और एक बॉय भी नहीं है? हाँ? कमिश्नर? ये कमिश्नर साहब की बेटी है? मतलब एक तो इतिहास लेखिका और ऊपर से कमिश्नर की बेटी, हे भगवान रक्षा करना हमारी। बाय। अरे आप खड़ी क्यों है, बैठिए ना। हमने ना आपके लिए कूटे हुए अदरक की बढ़िया सी चाय मंगाई है। Like really? Whatever your kutiya chai. Adrak kuti hui chai. Oh please, I don't drink your chai, okay? Bade aaye. First of all, please order some good quality water for me from a restaurant. 5-star. 5-star? Achha pani. हाँ. फिर मैं खाने का मेन्यू दूंगी. Leave. जिसके पीछे पड़ जाए, उसके मुंह से निकले हाय हाय, आय माँ बिल्लू दस्पाय। माँ मुझे अभी अभी बाहर पता चला है कि पुलिस फोर्स की हिस्ट्री पर बुक लिखी जा रही है, और उसमें बिल्लू द स्पाई का नाम नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? Oh my God! ये बाप रे, ये क्या? आप क्या सर्वेंट ऐसे विंडो से जंप करके आते हैं? सर्वेंट? एक्सक्यूज मी, या आप इसे क्लीन कर देंगे प्लीज? क्लीन कर दो इसे? बिल्लू द स्पाई क्लीन कर दई? आपने ढंग से सुना नहीं है, आई एम नॉट काम वाला बॉय, आई एम बिल्लू द स्पाई। ए बिल्लू द स्पाई, हम इस थाने का परमानेंट इन हाउस कैदी, कम इन्फॉर्मर, कम टीपर, कम जासूस, कम मुंह बोला लल्ला, कम स्टाफ, मैं ऐसा सब कुछ, आई एम कम, ज्यादा यही पड़ा रहता है। सो स्वीट भाया। स्वीट तो पता चला, लेकिन भाया व्हाट? भाया 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 मतलब भैया। हाँ, इनके यहाँ भैया को भैया ही कहते हैं। भैया भैया, ये भैया वर्ड मेरी जिंदगी से कब जाएगा मोरी मैया? नेक्स्ट 3 days, जब तक टेरी नहीं आ जाता। टेरी? व्हाट टेरी? माय बॉय। योर बॉय? माय बॉय हु? हिंदी जो मेरा बैग उठाता है, अम्ब्रेला पकड़ता है, मेरे शूज क्लीन करता है, कैपेचिनो लाता है, मतलब ख्याल रखता है। आई लव यू, मतलब all love these things, I take care of these, that's why I love her things. So मैं आपका boy बन सकता हूँ, 3 दिन के बाद मैं इनका boyfriend बनूँगा, कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, मेरा नाम ये history book में आना चाहिए, तो मैं आपका सब काम कर दूँगा, सब, मतलब मैं आपका teddy बनूँगा, छाता लाऊँगा, where is your छाता?
अभी नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं अभी लाया। अच्छा एक्सक्यूज मी, या पहले पानी ले आना। पानी? या नल का पानी लाता हूँ। व्हाट? फाइव स्टार। फाइव स्टार पानी? जाओ ना अभी। नया मेनू है क्या फाइव स्टार? इस बिल्ले ने तो इतिहास में अपनी जगह बना ली, अब हमें भी कुछ करना पड़ेगा वरना इतिहास हमें भूल जाएगा। हम भी कुछ लेकर आए आपके लिए। फैन जी, हम आपके लिए कुछ लेकर आए। धंधा चल नहीं रहा यार, कुछ सोचना पड़ेगा। मैडम सर कैसी है? गुड मॉर्निंग मैडम सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या ये बात अच्छे से नहीं बोल सकती थी? पप्पी दू अभी तुम लोग को। अरे आ गई तुम। कैसा लगा मातारी? हाँ आइटम। क्या क्या हूल क्या दे रही है? अरे हूल नहीं दे रहे हैं हम, समझो बिनती के फूल चढ़ा रहे हैं। फूल नहीं है, बिनती तो है ना। देखो क्या है ना, हमारे थाने में ना एक बहुत बड़ी लेखिका आई हुई है जो अपनी यूपी पुलिस पर ना इतिहास लिख रही है, समझ रही हो? इतिहास इतिहास। हाँ तो इसलिए थोड़े दिनों के लिए यही अपने थाने में ही हमारे साथ रहेगी, ठीक है? तो सब देख दाग के जो इतिहास में लिखने लायक होगा ना उसका नाम इतिहास में आएगा। तो जरा जरा क्या? जरा अपने आप को संभालो। समझ रहे हो तुम हमारी बात को? ये तो ये जो तुम्हारी भाषा है ना, संतास दू क्या कंटास वंटास, ये नहीं, उसको जरा काबू में रखो। क्या है थाने की छवि का सवाल है ना, उसको मटिया में मत होने देना, हम विनती करते हैं। ये तू बोल रही है कि तेरी बहू बोल रही है? उन्हीं की है, वो ही बोल रही है। हाँ हम तो बस जरिया है, हम तो बस उनकी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो समझो वो ही पैर छू रही है। हाँ ठीक है ठीक है। एक बात बता मेरे को, कौन है राइटर, क्या नाम इसका? RYKK। रिया ये तूने क्या किया, बहुत बड़ी नामी लेखिका है वो, उसके पिताजी जो है ना वो कमिश्नर है। अच्छा ठीक है तू जा, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? जाना। हाँ ठीक है बोला ना, आती हूँ। हाँ हाँ इतनी बड़ी राइटर, ऊपर से पुलिस कमिश्नर की बेटी, अगर इसके साथ मिसबिहेव किया तो हसीना मलिक के अगेंस्ट कंप्लेंट पक्की है। इसके कमिश्नर पापा हमें नौकरी से जरूर निकाल देंगे। ये वैसे SHO अब रास्ते में ही होंगी। इतना वेट करा रही है, पता नहीं कैसी होगी। अरे हमारी मैडम सर तो बहुत कमाल की है। हाँ बहुत ही सुलझी हुई, शांत, समझदार, अपने आप को जैसे अपनी ड्यूटी के लिए पूरा समर्पित कर दिया है उन्होंने। हाँ अब क्या कहें, उनकी तारीफ में ना हमारे शब्द कम पड़ रहे हैं। ओह माय गॉड लाइट, दिस अंधेरा। हे बाबरी, नाचता हुआ इतिहास। व्हाट द हेल, This is the SHO? This is Haseena Mallik? Huh? Oh my God! This is Haseena Mallik? This is the SHO? वही तो, यही तो कमाल है हमारी मैडम सर का। हाँ हम भले ही सब भूल जाए मगर मैडम सर कभी प्रथा नहीं भूलती। व्हाट प्रथा? प्रथा माने संस्कृति, धरोहर, परंपरा, प्रथा। व्हाटएवर दिस प्रथा परंपरा, व्हाट आर यू सेइंग? परपरा पम पम परंपरा होता है। एक मिनट, यहाँ वो क्या है ना, आज के दिन ना सारे लखनऊ शहर के जितने भी सारे थाने हैं ना, वहाँ के सारे ऐसे जो अपने लोगों का सब मंगल हो, इसलिए ऐसे ही वेश परिधान करके ऐसा नाच करते हैं। टू बेबी, आई एम एन इंडियन, ओके, एंड दिस लखनऊ में महाराष्ट्र। हाउ मा? वही तो, हमारे थाने के लिए ना इस साल हमने तय कर लिया था कि हम महाराष्ट्र का तड़का दिखाएंगे।
ये बाप रे, ये माँ माँ बस करो, चले जाओगी बाहर। और जानकीपुरम थाने में तो पता है आपको, वहाँ के एसएचओ जो है ना, वो बुलबुल पांडे जी, वो तो पहाड़ी तड़का डांस करने वाले हैं। ये कौन है? अरे इन्हें नहीं पहचाना। बताया तो था। नहीं यार, कौन है? यही तो है वो महान लेखिका जो हमारे पुलिस विभाग पर इतिहास लिखने आई है। हाँ। RYKK रिया, ये तूने क्या किया? नहीं। Exactly. What the hell? What is this? प्रथा परंपरा। हाँ हाँ। This is bad manners, Poo. यहाँ आपके लिए, मगर हमारे लिए ये परंपरा है। क्या रे ज़ेब्रा क्रॉसिंग, क्या बोलती? मैं सुना कि तू इधर किताब लिखने को आई है, कमिश्नर की बेटी है। अब एक बात कान खोल के सुन, तू किसकी बेटी है कि इधर से आई है उसको रखने का बाजू में? इधर जो काम करने के लिए आई है, तुम्ही चुपचाप वो काम कर, सबको जय हिंद बोल और वंटा सो इधर से। जास्ती किसी को परेशान करने का नहीं, मेरे को पकड़ने का नहीं, डू नॉट डिस्टर्ब कर लगा। उंडे लाने से कुछ नहीं होगा, मुझसे बोल। ओके फाइन, आई विल अंडरस्टैंड व्हाट एवर, आई मीन नो नो यस। ए इसका हिंदी सबटाइटल कौन रे? प्लीज टॉक टू मी, आई एम टेरी हर। इन्होंने जो कुछ बोला है इसका मतलब वो समझ गई है। हाँ समझ गई। ओह माय गॉड। लीलू ध्यान रखा, टेक केयर। इतिहास, इतिहास में नाम लिखवाएंगे, ऐसे नाम लिखवाएंगे। यहाँ तो देखो एक बार पुष्पा जी की हालत देखो, क्या से क्या हो गई। हाँ वही तो, जिन हाथों में कभी पुलिस का डंडा हुआ करता था, आज बर्तन मांजने वाला का था। इस किताब की वजह से। माँ क्या हुआ? What the hell? What is this? हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। नो 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 पूवे भी, I'm really very very disappointed। हम कह रहे हैं ना, हमें माफ कर दीजिए, दोबारा इतना जोर से नहीं चिल्लाएंगे हम। नो पूवे भी, it's not you। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। This is all this हसीना मलिक। कैसे बात कर रही थी वो मुझसे? I mean so bad, so rude, कितनी opposite है वो जो मैंने सुना था उसके। जो कहावत होती है ना, जो सुनिए आपने, आई मीन द दर्शन बड़े बड़े एंड समथिंग छोटे लाल छोटे छोटे। नहीं नहीं नहीं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हाँ। ये कहावत है। सेम टू सेम, एग्जैक्टली। ये ऐसे नहीं बात कर सकती मुझसे। जाने दीजिए ना वो, अब उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। नो 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 पुश बेबी, नो नॉट एट ऑल। तुम जानती नहीं हो ऐसे लोगों को ना, I mean, हसीना मलिक को मैं ऐसे ऐसे चुटकियों में just that को call करके निकलवा सकती हूँ, like in a minute। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसा सोचना भी मत, ऐसा बिल्कुल करूँगी। I mean, ये नहीं करूँगी, but मुझे किताब लिखनी है। I can't do this to myself। मुझे अपनी book पूरी करनी है, and I can't be so aggressive। Writers are not aggressive। I need to be। Okay, yeah, focus। Self confidence का focus। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अपने किताब पे वो करो। राइट पू बेबी, राइट। एक राइटर का वेपन उसका पेन होता है और थॉट्स होते हैं उसकी पावर, यू नो। और एक राइटर से पंगा लेना इस हसीना मलिक को कितना हैवी पड़ेगा वो जानती नहीं है। तुम्हारी मैया की सासू मैया क्या कर रही हो तुम? एक मिनट रुको। को
कुछ तो लिहाज कर लो, तुम थाने में हो, मैडम सर बनी हो, ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने हा? और बाहर क्या नाच गाना कर रही थी तुम? तुमको बोला है ना, जब तक यहाँ हो कायदे में रहोगी, मैडम सर के नाम का फजीहत नहीं होना चाहिए। कहा था ना बाहर लेखिका आई हुई है, थोड़ा कायदे में रह लेना, नहीं करना था ये सब, और वही तुमने किया है। मेरे को उसका थोबड़ा पसंद नहीं आया। क्या है ना, बहुत सारे लोगों को थोबड़ा ही चैसा होता है कि देखकर बेइज्जती करने का मन करता है। तो बाहर नाच गाना करोगी जाके? हाँ, और कोई काम नहीं था? अरे डार्लिंग, वो तो सच में फेस्टिवल है, मेरे दामोदरवाड़ी में सब मेरे बिना मना रहे हैं, तो मैं इधर मना रही थी। लेकिन देख, एक बात तो 100% बराबर है ना, वो जेब्रा क्रॉसिंग रियाटिया को मेरे सामने आने मत देना, नहीं तो देगी इस बार रख के उसको। कुछ नहीं करोगी तुम, ऐसा समझी? किसी का नाम आए ना आए, मैडम सर का नाम इस ऐतिहासिक बुक में आना चाहिए, इसलिए तुम्हें कायदे में रहना होगा मैडम सर के लिए। और बहुत अच्छा होगा कि अगर अब तुम ये अपना हुलिया चेंज कर लो, अगर तुम्हारा फेस्टिवल हो गया होगा तो, ठीक है? और यहीं रहना, इसी केबिन में, यहाँ से बाहर मत आना। मत कीजिए ऐसा करिश्मा सिंह, प्लीज मत कीजिए, हमारा जाना और मुश्किल हो जाएगा। जाने दीजिए हमें, यही ठीक है सबके लिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्या लिख रही है? हमारी तारीफ में भी कुछ लिख रही है या नहीं? Do I have to write? पुष्पा जी, क्या पुष्पा जी है? ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। वेट, पीजिए, बहुत टेस्टी है। जिसके हाथ का चाय पी के शहर का सांप कांपता है, और आपको इसका चाय अच्छा लगा? ऐसा भी कहा बना दिया? पिलाओ। हाँ, पिलाओ। अरे करिश्मा जी, आप मत पीजिए, ये लीजिए। पिलाओ। हमें माफ कर दीजिए करिश्मा जी, हमें माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। सॉरी मैडम। का सॉरी? जब इतना अच्छा चाय बनाते हो तो इतने सालों से हमें ऐसा जहरीला चाय बना के काय मार रहे थे? तोपा इंसान। बू बेबी। हाँ, वेज बू भैया। एक मिनट, बू भैया ये क्या है? अरे जैसे हम पुष्पा से बू हो गए ना, वैसे बिल्ला बिल्लू से बू हो गया। बू? अच्छा, हम करिश्मा ही है। नहीं नहीं, आपका नाम भी छोटा कर दिया है। कैश। हाँ? कैश 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 कैश। तुम कटो। वैसे तो आपका क्रेडिट चलता है हमारे यहाँ। अब बात। थैंक्स बर्ड। पू बेबी, क्या कैश अच्छा नहीं लगता सुनने में? बहुत अच्छा है। मस्किटो, ओह माय गॉड,
वो भैया कहाँ है? मैंने उनसे कहा था ना मस्किटो रेपेलेंट लेके आने के लिए। ओह माय गॉड, दिस इज चेंग मैन, माय जैकेट। अरे पता नहीं कहाँ रह गए नालायक। पहनो पहनो, तुम अच्छा नहीं काटेंगे अभी। हाँ सॉरी, इट्स ओके, थैंक्स लव। करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम, भेड़िया 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 भेड़िया। कौन हो, क्या चाहिए? रिपोर्ट लिखानी है हमको। ये बाप, ये क्यों? सॉरी। ये क्या, इसकी वजह से? नहीं, फिर ऐसे ही सारा एरिया हम पर हंस रहा है, भेड़िया भेड़िया बोल करके पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, हंसने लगता है भेड़िया? जिसको देखो पत्थर मार रहा है, कोई कोई पीछे पीछे दौड़ रहा है। शांत शांत, आप एक बार शांत हो जाइए। अब हमें थोड़ा डिटेल में अपनी समस्या बताइए, समस्या क्या है आपकी? इधर ऐसे अकेले मत रहो, आई विल प्रोटेक्ट यू ना। ये है समस्या, करेक्ट है। ऐसे ही परेशान हो गए हम, बताइए। इंसान से हैवान बना दिया हमको उस डॉक्टर ने, पूरा लाइफ खराब कर दिया है हमारा। आप शांति से सबसे पहले बैठिए, फिर हमें अपना प्रॉब्लम अच्छे से और डिटेल से बताइए। आइए बैठिए। आई टेक केयर ना, सिट। थैंक्स बू भैया। बू भैया जी, विस्तार में बताइए आप। हमारा नाम वरुण त्यागी है मैडम जी। आगे? अगला महीना हमारी शादी है मैडम, तो हम सोचे कि हमारा सर पर थोड़ा सा बाल होगा, लेकिन का गलत सोचे बताइए। तो चले गए हम बाला हेयर क्लिनिक, लेकिन उनके क्लिनिक के थेरेपी के देखिए साइड इफेक्ट की वजह से क्या हो गया। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से हम सबका सामना करेंगे मैडम। हमारा तो जीवन खराब कर दिया उस डॉक्टर ने मैडम, बाल कटाते 6 घंटे में वापस आ जाता है, हम क्या करें बताइए। मैडम आपने रिपोर्ट लिखी है। क्या लगता है पुष्पा जी आपको, ये हाफ फिरंग ये ऐतिहासिक बुक में पुलिस विभाग के लिए क्या लिखेगी? अगर ऐसे बाल सुलभ केस आएंगे तो कैसे चलेगा? भाई साहब, हम समझ रहे आपकी समस्या, पर आप यहाँ काहे आए हैं? नहीं मतलब आपको इसके लिए बेस्ट रहेगा जानकीपुरम थाना। SHO बुलबुल पांडे जी, हाँ वो आपकी समस्या का ऐसा ऐसा हल निकाल देंगे, आप वहाँ जाइए। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। जरा यहाँ आइए, यहाँ आइए। हाँ ये क्या कर रही हैं आप? ये लड़की सब देख रही है, आप ऐसे ही थाने में आए हुए केस भेज देंगे वापस, तो फिर क्या इम्प्रेशन होगा हमारा, मतलब हमारे थाने का? देखिए ऐसा है कि हमको इस टोपागिरी में नहीं पड़ना है, ऐसे फालतू केस का हिस्सा हमको नहीं होना है, समझे आप? करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। देखिए सोचिए ना, ये केस भी तो कितना मामूली है ना, यूं सुलझ जाएगा। हमको ये चूरनगिरी नहीं करना है, आप सुलझाइए केस अगर आपको बहुत मामूली लग रहा है तो। हम जा रहे हैं अपने स्तर का केस ढूंढने, ठीक है? आप लोगों का खुसर पुसर हो गया होगा तो हमें बताएंगे, हमें क्या करना है, हमारा रिपोर्ट लिखेंगे आप? नहीं, वही हम इनको बता रहे थे कि जानकीपुरम थाना सबसे बेस्ट है आपके लिए, बुलबुल पांडे जी आपका केस यूं सॉल्व कर देंगे, आप वहां जाइए, ठीक है? ए वेट 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 वेट, आई कम विथ यू। वेयर आर यू गोइंग? कहां जा रही हो? रूटीन बीट पे जा रहे हैं, देखने कि शहर ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। Really? Oh my God! Like routine beat? Oh my God! Male thanas का बहुत देख लिया, अब female thanas का routine beat देखूंगी। Amazing! I'm gonna write on it. I'm coming with you. हाँ हाँ, हम आपको दिखाएंगे कि हमारे महिला पुलिस थाने का इस शहर में क्या प्रभाव है। प्रभाव? Whatever. Thank you. You. It's dirty. A bed? Clean है? अरे सुंदरी, कैसी सुंदरी है? ये ले जो। अब पूरा चकाचक कर दिया, अब शक्ल दिखेंगे, देखिए। Really clean. Thank you. Welcome. करिश्मा जी जरा संभाल के लेके जाइएगा। ए, जाओ अपना काम करो जाके। हाँ। देखिए आप अभी भी यहीं बैठे हैं,
मैडम ने कहा ना कि आपको न्याय जो है वो जानकीपुरम थाने में ही मिलेगा, तो आप वहीं जाइए ना। आप गलत थाने में आए हैं। नहीं मैडम, हम एकदम सही थाना में आए हैं। और पता है हमारा जो केस है ना, ये भी महिला अपराध संबंधी केस ही है। महिला अपराध? और हमको भी एक महिला के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना है बस। हैं? यस करेक्ट है, मां रिपोर्ट लिखो। वो एक ऐसी महिला है ना जिसको आज की नारी और अपना रोजगार स्वयं अपने दम पर शुरू करने जैसा बड़ा नारी सम्मान मिला है। हमको भी उसी महिला के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना है मैडम। लेकिन अगर आप औरत होने के नाते एक दूसरी औरत के विरुद्ध अगर रिपोर्ट नहीं लिख सकते तो हमें बताइए, मैं कहीं और चला जाता हूँ। नहीं, 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 नहीं। आप बैठी, आप बैठी, 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 बैठी। ये केस यही दर्ज होगा और सुलझाया भी यही जाएगा। धन्यवाद मैडम। अब इस केस को दर्ज करके हम रिया को दिखा देंगे कि पुष्पा सिंह क्या चीज है और फिर उसकी किताब में हमारा नाम जरूर होगा। ये सिर्फ 2000 रुपए का है, ये देखिए। Excuse me, can you please tell me why are we here? हम यहाँ क्यों आए हैं? कुछ शॉप करना है? No, no. Here, show, भोकाल. भोकाल means? भोकाल. अरे करिश्मा मैडम, जय हिंद. Oh my God, you mean respect? Yes. Hilarious. मैडम. जी, नाम. नमस्ते 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 नमस्ते। और भाई साहब सब ठीक? सब बढ़िया? कोई यहाँ पे आपको तंग तो नहीं कर रहा है? कोई आपको बकैती तो नहीं कर रहा है आपके साथ? बताइए हमको। अरे मैडम, सब जानते हैं कि ये सारा एरिया आपके थाना क्षेत्र में आता है। हर किसी को मरना है क्या यहाँ कुछ गड़बड़ करके? और बताइए, और कुछ कहना चाहते हैं आप तो आप कह दीजिए। नहीं मैडम, अभी तो फिलहाल मेरे मन में कुछ नहीं है। जाओ अपना काम करो। जी नमस्ते। ए छोड़ो छोड़ो मेरी चीज। अम्मा, ओह माय गॉड, कैच। अरे नहीं भैया, किस भैया चेंज हो रहोगे तुम? चेंज हो रहोगे ना? चेंज हो रहोगे? हिम्मत कैसे मत बदल के? नहीं मैं मैडम, हां छोड़िए ना, छोड़िए मैं यहां ही। चेंज मिल गया है मैडम। एक मिनट मैडम, क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही है? क्या मार रहे हैं इसको? चोर कहीं का चेंज चुराता है? नहीं नहीं नहीं, ये चोर नहीं है ये मैडम, ये मेरे फिल्म के हीरो और हीरोइन है। हम लोग फिल्म कर रहे थे अभी, ये देखिए सीन नंबर 2। अरे एक मिनट, फिल्म विल्म होता है तो उसमें कैमरा होता है, उसमें लोग होते हैं, उसमें लाइट होता है। क्या टोपा बना रहे हो हमको, टोपा इंसान? अरे नहीं नहीं मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। क्या नहीं समझ रहे? फिल्म के राइटर डायरेक्टर कैमरामैन सब मैं ही हूं, और ये शॉर्ट फिल्म ना मैं मोबाइल कैमरा से शूट कर रहा हूं। ओह माय गॉड, इट मींस इट वाज फेक। हॉरर फिल्म करेंगी आप? पता, जाओ अपना काम कीजिए ना, आप जाइए, जो फिल्म बना रहे हैं वो पूरी कीजिए पहले, और आप सब अपने काम पे जाइए, जाइए। तुम भागे क्यों? चलो। कहा है ये? क्या? इधर आइए। ये बाल सुना, ऐसा रेजगारी केस सॉल्व करेंगे ना तो आ गया हमारा नाम ऐतिहासिक बुक में। अरे छोटा मोटा केस नहीं है, बहुत बड़ा केस है। विनीता बंसल, नाम सुना है आपने? नहीं, कौन है ये? अरे बहुत नामी गिरामी हस्ती है ये। हाँ, आज किनारी पुरस्कार भी मिला है उन्हें। और ये वरुण जिस पर केस करना चाहता है ना, उस क्लिनिक की करता धरता है वो। बहुत बड़ा केस, इसलिए हमने उसे बुलाया थाने पूछताछ के लिए। किस अधिकार से? नहीं यहाँ थाने के ऐसा है हम, है ना, तो हम बताएंगे ना किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। अब केस आप सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। कीजिए 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 कीजिए, हाँ, फिर किसी मदद की उम्मीद मत कीजिए हमसे। अच्छा, आप मना कर रही हैं, अपनी सीनियर को मना कर रही हैं आप? हाँ, बता दें श्रिया को कि आपका नाम ना काबिल पुलिस कर्मियों की लिस्ट में डाल दे, बोल दें अभी। हाँ, अरे अब मजाक भी ना करें हम हमारी बहू से। बहू घर पे? हाँ, तो फिर घर आई फिर देखते हैं। मैडम एकदम सही कह रही है मैडम, ये बहुत पहुंची हुई चीज है विनीता, पता है? ट्रीटमेंट के नाम पर ना लोगों को बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ। एक नंबर की फ्रॉड है जी, फ्रॉड, हम कह रहे हैं आपको। ये सब सुन रहा था? ए, क्या रे? तो अभी तक इधर? तेरे को बोली थी ना मैं कि वो मर्दाना पुलिस स्टेशन में जाने का, कई के लिए खालू फोकट हम लोग का टाइम वेस्ट करता है। पर क्या रे डार्लिंग, क्या ऐसे चिल्लर केस में आप टाइम वेस्ट करेंगे क्या?
अरे मैडम सर आप शांत रहिए ना, हम बात करते हैं, आप शांत रहिए जी। भाई साहब ये जो आपको रिएक्शन हुआ है, आपकी थेरेपी क्लिनिक की जो मालकिन अभिनेता बंसल, उनका क्या रिएक्शन था आपका ये रिएक्शन देखकर? वो तो साफ मुकर गई कि उसके ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट है। कहती है उसके क्लिनिक के ट्रीटमेंट पेपर पर तो साफ साफ लिखा है कोई भी ट्रीटमेंट सेफ नहीं होता, साइड इफेक्ट तो किसी भी ट्रीटमेंट में हो सकता है। मैं तो कहता हूँ बड़ी चालू औरत है मैडम। ठीक है तो हम और मैडम सर, आप और हम जाते हैं और जाकर देखते हैं कि वो आपके सामने क्या जवाब देती है। ए, मैं काहे के लिए चलूं, मेरा क्या लेना देना, मैं नहीं आएगी। ये उर्मिला हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर रही है। उर्मिला का ऐसा रवैया देखकर कहीं रिया हम लोग पर बुक लिखने का प्लान चेंज ना कर दे।